हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज संडे था, हमने सोचा कि कहीं प्लान करते हैं घूमने के लिए। ऐसे घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने प्लान किया कि आज चलेंगे पहले फ्लैग पॉइंट और उसके बाद कार्बन बीच, जो दोनों के दोनों जगह जो है पोर्ट ब्लेयर से जो एयरपोर्ट है वहाँ से बहुत बड़ा नज़दीक है। तो कोई भी आता है घूमने के लिए, रास्ते में ही आता है तो सारे घूम लेते हैं, चांस मिल जाते हैं देखने के लिए। चल हम लोग एंजॉय करते हैं आज के संडे। और मेरे जो यूट्यूब फैमिलीज़ हैं वो मेरी वीडियो देखें और एंजॉय करें। ये पोर्ट ब्लेयर का ये आज का बहुत सुंदर खूबसूरत जो मौसम है उसका एंजॉय करें। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल फैमिली में नहीं जुड़े हैं अभी तक, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे फैमिली से जल्दी से जल्द जुड़िए। थैंक यू सो मच। ये जो रास्ता जा रहा है ये समुंदर के किनारे किनारे ही है। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ से हम ड्राइव करते हैं, एक साइड में जंगल, एक साइड में समुंदर और बीच में बहुत खूबसूरत नज़ारा है। रियली बहुत खूबसूरत। रास्ते में एक बहुत खूबसूरत मंदिर दिखा हमें, ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा मंदिर है। हम पहले भी इस मंदिर में आ चुके हैं, बहुत सुंदर है, अंदर भी बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे आगे है फ्लैग पॉइंट, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर सबसे बड़ा फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है। और सामने जो आइलैंड दिख रहा है वो है रॉस आइलैंड, जो कि अभी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड करके नाम पे है। पहले ये रॉस आइलैंड हुआ करता था अंग्रेज के टाइम पे। ये देख सकते हैं वो बड़ा बड़ा जो दिख रहा है वो है। बाकी ये आप नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है। और बाकी ये देखिए हमारे सामने प्यारा सा अपना तिरंगा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये तिरंगा, सच में बहुत सुंदर है। फाइनली हम आज आके पहुँच गए हैं कार्बन बीच, जो कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। लेकिन हम इधर ही रहते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कभी भी मन करे उठ के आ जाते हैं घूमने के लिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है आज का। तो आज हम इंजॉय करते हैं क्योंकि आज वैसे संडे था, तो हमने सोचा कि जाके कहीं ना कहीं घूम के आ जाए। तो सोचा कि चलो चलते हैं कार्बन बीच, वहाँ पे घंटे भर बैठ के फिर निकल जाएंगे। अब ये देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा है। बाकी उस कोने में जो दिख रहा है वो है जापनीज बंकर, जो जापनीज यहाँ पे कब्जा कर रखे थे उस टाइम, उन्होंने बहुत सारे जगह पे बंकर्स बना रखे थे। तो वो है यहाँ पे दो छोटे छोटे घर टाइप दिख रहे होंगे, वो है जापनीज बंकर। काफ़ी ये बीच जो है बहुत सुंदर बीच है। ये देखिए दीसियों को कितना एंजॉय कर रहे समंदर के पास आके।
अभी थोड़ा ऑफ सीजन है तो इसीलिए बीच में लोग थोड़ा कम आए हैं अभी, लेकिन जब नवंबर से इसका अंडावन का बढ़िया सीज़न रहता है, नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक, उस टाइम तो एकदम बहुत भीड़ रहता है और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे होते हैं। ये जो जितने भी पानी दिख रहा है यहाँ पे पूरे एक्टिविटीज़ में भरे रहते हैं, लेकिन आजकल पूरा खाली रहता है, आप देख सकते होंगे। Yeah.